क्या आपको पता है कि अब आप जनरल टिकट भी ऑनलाइन ले सकते हैं? नहीं तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप सामान्य श्रेणी की ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, और वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से ऑनलाइन ऐप की सहायता से सस्ती सामान्य श्रेणी की टिकट कुछ मिनटों में बुक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लोग जो रोजाना ट्रेन से यात्रा करते हैं या किसी अनियोजित यात्रा पर जाना चाहते हैं, या जब कोई अप्रत्याशित यात्रा होती है तो अनारक्षित ट्रेन टिकट पाने के लिए रेलवे स्टेशन पर लंबी कतारों में खड़ा होना किसी के लिए भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा भीड़भाड़ वाले समय में समय पर ट्रेन टिकट प्राप्त करना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन भारतीय रेलवे के UTS मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके सभी ट्रेनों के लिए कुछ ट्रेन टिकट जैसे अनारक्षित, प्लेटफॉर्म और सीजन टिकट बुक करना आसान है। UTS टिकट बुकिंग से रेल यात्रियों का यात्रा अनुभव आसान हो जाएगा, खासकर उन लोगों के लिए जो रोजाना ट्रेन से यात्रा करते हैं या किसी अनियोजित यात्रा पर जाना चाहते हैं। ओ ऐप का उपयोग करें। यात्रियों को अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके ऐप पर खुद को पंजीकृत करना होगा और एक पासवर्ड बनाना होगा। एक बार पंजीकृत होने के बाद वे टिकट बुक करने, टिकट की उपलब्धता की जांच करने और ट्रेन शेड्यूल प्राप्त करने के लिए ऐप का उपयोग कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर यात्री अपने टिकट रद्द करने के लिए भी ऐप का उपयोग कर सकते हैं। UTS ऐप के बारे में आपको जो कुछ पता होना चाहिए। एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो अनारक्षित ट्रेन टिकट बनाने या रद्द करने, मौसमी टिकट बुक करने, पास नवीनीकृत करने और प्लेटफॉर्म खरीदने के लिए लॉन्च किया गया है। यह पहल यात्रियों को लोकल ट्रेन यात्रा या प्लेटफॉर्म विजिट के लिए प्रिंटेड कार्ड, टिकट, PCT खरीदने के लिए लंबी कतारों में खड़े होने से बचाती है। इससे उन यात्रियों को फायदा होता है जो बार बार यात्रा करते हैं और उन्हें अप्रत्याशित रूप से कहीं जाने की जरूरत पड़ती है। UTS ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्मों के लिए संबंधित ऐप स्टोर से डाउनलोड करने के लिए निःशुल्क है। UTS ट्रेन टिकट बुकिंग के प्रकार। यात्री आधिकारिक एंड्रॉइड मोबाइल टिकटिंग ऐप का उपयोग करके 5 अलग अलग प्रकार के ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। सामान्य टिकट बुकिंग, त्वरित टिकट बुकिंग, प्लेटफॉर्म बुकिंग, सीजन टिकट बुकिंग, नवीनीकरण, QR बुकिंग। UTS ऐप पर पंजीकरण करने के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शिका गूगल प्ले या एप्पल iOS पर UTS मोबाइल एप्लीकेशन ढूंढें और इसे डाउनलोड करें। अपने फोन नंबर, नाम, लिंग और जन्मतिथि के साथ ऐप के लिए साइन अप करें। एक पासवर्ड जनरेटर उपलब्ध होगा। अपने UTS ऐप के लिए एक व्यक्तिगत और यादगार पासवर्ड बनाएं। UTS मोबाइल ऐप के नियमों और शर्तों से सहमत हों। रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। टिकट बुक करने के लिए अपना यूजर ID और पासवर्ड डालें। ट्रेन टिकट सामान्य बुकिंग बुक करने के लिए इन चरणों का पालन करें। पेपरलेस और पेपर के बीच चयन करें। यहां से प्रस्थान करें और यहां जा रहे हैं स्टेशनों का चयन करें। अगला चुनें और फिर किराया प्राप्त करें। टिकट बुक करें बटन दबाएं। आर वॉलेट, UPI, नेट बैंकिंग कार्ड सहित विभिन्न तरीकों का उपयोग करके अपने किराए का भुगतान करें। UTS ऐप में शो टिकट विकल्प चुनकर टिकट देखे जा सकते हैं। UTS ऐप में एक अधिसूचना में प्राप्त बुकिंग ID का उपयोग करके पेपर टिकटों को स्रोत या सामान्य बुकिंग काउंटर पर मुद्रित किया जा सकता है। UTS ऐप पर आर वॉलेट रिचार्ज करने के चरण। UTS ऐप पर आर वॉलेट आइकन पर टैप करें। रिचार्ज वॉलेट चुनें। रिचार्ज की जाने वाली राशि दर्ज करें। UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भुगतान करें। जब आप प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं तो आपके आर वॉलेट में पैसा जुड़ जाता है। UTS ऐप के उपयोगकर्ताओं को आर वॉलेट शुल्क पर 3% बोनस मिलेगा। UTS मोबाइल टिकटिंग ऐप का उपयोग करने के लिए कुछ बुनियादी नियम जाने। अनारक्षित टिकट बुकिंग ऐप का उपयोग करने वाले यात्री बुकिंग के 3 घंटे बाद ट्रेन में चढ़ सकते हैं। प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने के लिए आपको स्टेशन के 2 किमी या रेलवे ट्रैक के 15 मीटर के भीतर होना चाहिए। यात्री 3, 6 या 12 महीने के लिए मौसमी टिकट खरीद सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इससे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।